मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके घर में चला जाता है। घर में जाने पर बादशाह किसी चीज को गौर से देख रहे थे, जिस दौरान ड्रैगन उन लोगों के ऊपर आग से हमला करता है और एक एक करके बादशाह के सभी सिपाहियों को मार डालता है। बादशाह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगे। सीन यहीं से कट होकर हमें सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है। ये किंगडम बहुत गरीब है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है वो यहाँ की शहजादी है, जिसके लिए आज एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता हो जाता है तो उनके किंगडम के हालात बदल जाएंगे। एलोडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए इस शादी पर राजी हो गई थी और उसकी शादी के सिलसिले में ही ये लोग दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ इस आइलैंड के करीब आते हुए उन्हें इस समुद्री तूफान के अंदर कुछ ड्रैगन्स भी दिखाई दिए थे। खैर, अब ये लोग महल पहुँच जाते हैं। एलोडी को ये महल बहुत अच्छा लगा था, अपने महल से बहुत बड़ा। इस महल में उनका इस्तकबाल एक शाही नौकर ने किया था और इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए गए थे। रात में वो इस बालकनी में खड़ी बाहर का नजारा कर रही थी तो तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। खैर, अब सुबह होती है। क्वीन एलोडी के डैड से कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे, इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। जिसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है, क्या आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है इस शादी के लिए? प्रिंस कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत प्यारी लगी। बातें करते करते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और एलोडी प्रिंस को बताती है कि कल मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहते हैं, हाँ वो पहाड़ियाँ बहुत अहम है, उसके अंदर बने एक गार में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं जो कि हमारी शादी के बाद भी होंगी और हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के डैड काफी परेशान थे जब से वो क्वीन से मिले थे। एलोडी की मॉम जब उनसे उनकी परेशानी पूछती है तो उनके कुछ ना बताने पे वो क्वीन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन क्वीन तो बहुत ही ज्यादा मगरूर है। वो एलोडी की मॉम से ये कहते हुए बात नहीं करती कि वो एक छोटे किंगडम से आई है। वो अब अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बातों के दौरान एलोडी के डैड भी यहाँ जाते हैं, जो बातों में लगाते हुए उसकी मॉम को यहाँ से ले गए थे। साफ जाहिर था कि वो भी कुछ छुपाना चाह रहे थे। खैर, अगले सीन में हम एलोडी की प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जिसमें उसने कुछ दिन पहले आग लगी देखी थी। प्रिंस ने एलोडी को पहले ही बता दिया था कि वहाँ उनकी कुछ रस्में होंगी। पहुँचते हैं पहाड़ के अंदर एक गार तक, जहाँ पर इस किंगडम के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन एलोडी को बताती है कि इस गार में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे किंगडम पे काफी तबाही फैला कर रखती थी और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो उससे लड़ने के लिए इस केव में आ गए, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, कोई भी कभी उससे जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी उससे नहीं जीत पाए। अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उनसे डील की कि वो अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे, जिसके बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से आज तक हम ये रस्म करते आ रही है। क्वीन प्रिंस और एलोडी दोनों के ही हाथों पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेते हैं। एलोडी शर्मा भी रही थी, लेकिन वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलोडी को उठाकर नीचे खाई में गिरा दिया था, जहां गिरते ही एलोडी बेचारी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मदद करने के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोती हुई ड्रैगन को उसकी आवाज से होश आ जाता है। जब कोई एलोडी की मदद करने के लिए नहीं आता तो एलोडी ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह बहुत स्लिपरी थी, वो बार बार नीचे गिर रही थी। हम देखते हैं कि इस जगह पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा था। अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आ रही थी। जैसे ही वो देखने के लिए आगे जाती है तो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से जलकर मर गए हैं, जो आग ड्रैगन की लगाई हुई थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी खौफ में आ गई थी और यहाँ ड्रैगन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन उससे कहती है कि तुम एक डील के तहत यहाँ आई हो, जिसके बदले में आज तुम्हें मैं मार दूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू आ रही है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा हो जाता, वो वहां से भागती है और ड्रैगन उसे वहाँ से भागता देखकर अपनी आग से उसके ऊपर हमला कर देती है। भागते भागते यहाँ एलोडी एक छोटी केव में आ गई थी, पर ड्रैगन की आग से पूरी तरह बच नहीं पाई थी। उसका पाँव बुरी तरह जल चुका था। वो अपने कपड़े फाड़कर अपने पाँव के जख्म को बांध लेती है। एलोडी हार नहीं मान सकती थी,
उसे किसी भी हाल में यहाँ से भागना था। वो उठकर इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और आगे जाने पर उसे नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो उसके करीब पहुँचती है तो पता चला है कि ये एक दरख्त में से निकल रही थी। एलोडी इस दरख्त के पास जाना चाहती थी लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ी खाई थी। पीछे ड्रैगन था तो आगे खाई, कहीं तो उसे मरना ही था। वो यहाँ से जंप करने का फैसला करती है लेकिन उसके एक गलत स्टेप ने उसकी जान खतरे में डाल दी थी। वो अब खाई के अंदर गिरने वाली थी पर अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से वो अपने आप को बचा कर खाई के दूसरी तरफ आ चुकी थी। यहाँ जिस दरख्त से नीली रोशनी निकल रही थी असल में उस दरख्त पे कुछ छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। एलोडी दोबारा अपनी ड्रेस को फाड़ कर एक पॉट बनाते हुए उसके अंदर काफी सारे कीड़ों को भर लेती है ताकि आगे चलने पर वो उसके लिए एक लैंप का काम करे। थोड़ी ही आगे जाने पर एलोडी को पानी का एक छोटा सा चश्मा भी मिला था। एलोडी पानी पीने के लिए मुंह खोलती है लेकिन तभी ऊपर की तरफ ड्रैगन आ जाता है और उसके ऊपर अपनी आग से हमला करता है, जिसे बचने के लिए दोबारा एलोडी वहां से भाग जाती है। एलोडी दोबारा एक छोटे से गार में छुप गई थी और ड्रैगन इस बार एलोडी से कहती है, कितना बच के जाओगी मुझसे, कभी तो मेरे हाथ आओगी। इस छोटी सी गार के अंदर बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें पढ़ एलोडी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को कुर्बान किया गया होगा। वो इन सारी चीजों से काफी थक चुकी थी। उसे नींद आ जाती है और जब वो सो के उठती है तो जो कीड़े उसने कपड़े में जमा किए हुए थे वो सारे कीड़े इसके जख्म में बैठे हुए थे। इन्हें देखकर एलोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक एक करके जब उन कीड़ों को अपने जख्म से उठाती है तो देखती है कि उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये कीड़े तो बड़े काम के थे। खैर वो इन्हें लिए हुए आगे बढ़ जाती है और एक छोटे से पत्थर के ऊपर उसे यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा बना दिखता है, जिसे फॉलो करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी पर रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था। ये पत्थर उसे लगकर वो मर जाती लेकिन वो इतनी भी बुजदिल नहीं थी। वो अपने दर्द की परवाह ना करते हुए बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता मिल भी जाता है लेकिन ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है, पहाड़ की चोटी, यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं। अब तो उसे रोना आ रहा था। वो जोर से किसी को आवाज देना चाहती थी लेकिन इतनी ऊपर से कोई उसे सुन भी ना पाता। उसे यहाँ पर कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और इतने में ही यहाँ पर ड्रैगन भी उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि ड्रैगन दोबारा उसके ऊपर हमला कर देती एलोडी गार के अंदर आ जाती है और ड्रैगन उसे कहती है कि कितना भी भागोगी इस जगह से कोई कभी बचकर नहीं जा पाया, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। अभी वो यही बातें ही कर रहे थे कि अचानक नीचे गार के अंदर से एलोडी को उसके डैड की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही ड्रैगन भी ऊपर से नीचे एलोडी के डैड को देखने के लिए चली जाती है और यहाँ से एलोडी भी अपने डैड की तरफ जाने के लिए नीचे उतरती है और रास्ते में उसे बहुत सारे सोने के साथ तीन ड्रैगन के टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं। इन चीजों को देख उसे समझ आया था कि क्वीन ने जो उसे कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में तो बादशाह जब काफी सालों पहले इस गार के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ ड्रैगन के तीन अंडे हैं जिसके अंदर से तीन ड्रैगन निकल रहे हैं। बादशाह ने इन तीनों ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। यही सीन कट होकर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रही है। तब ड्रैगन ने बादशाह से कहा था कि मैं तुम्हें भी तड़पता देखना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से तीन बच्चे चाहिए होंगे जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारी किंगडम को शांति से रहने दूंगी। सीन दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहां एलोडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे और तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाती है। वो ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूं, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना भी पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन उसे कहती है तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को, यही बुलाओ। एलोडी के डैड जोर से कहते हैं, एलोडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। ऐसा कहते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक नेल एलोडी के डैड के सीने में स्टैब कर देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता देख एलोडी के मुंह से चीख निकली थी, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटकता है। वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है तो मौका पाते ही एलोडी अपने डैड के पास आ जाती है जो मरते हुए एलोडी से कह रहे थे कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ पर तुम्हें जिंदा रहना है, जाओ तुम्हारा तुम्हारी माँ और बहन हमारी शिप में इंतजार कर रही हैं। ये कहते ही वो मर जाते हैं और एलोडी यहाँ से जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जिस जंजीर से वो लोग यहाँ आए थे उस जंजीर को इस्तेमाल करते हुए एलोडी ऊपर की तरफ जा रही थी और ड्रैगन भी उसे देख चुकी थी। बार बार ड्रैगन के आग के हमले से बचते हुए वो किसी तरह इस कार से बाहर निकल ही जाती है। वो अब अपने डैड के घोड़े पे बैठकर वहाँ से भाग रही थी। ड्रैगन आग का हमला करने के लिए उसके पीछे थी। वो घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप जाती है। ऐसे वो ड्रैगन की नजरों में नहीं आती और गुस्से में ड्रैगन
उसके घोड़े को ही जला देता है। दूर महल में क्वीन ये सब कुछ देख रही थी, वो भी गुस्से में थी और कहती है कि ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। शिप में एलोडी की बहन जो वहाँ पहाड़ों पे लगी आग को देख रही थी, अचानक इस शिप में क्वीन आकर एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि उनका प्लान था कि अब वो एलोडी की बहन को एलोडी की जगह ड्रैगन को देकर अपने किंगडम को ड्रैगन से बचा लेंगी। एलोडी की मॉम जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती हैं, उनको क्वीन चाकू मारकर यहाँ से चली गई थी। अगले दिन छुपते छुपाते एलोडी भी अपनी शिप तक पहुँच गई थी, जहाँ वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है, जो एलोडी से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, जाओ तुम अपनी बहन को ढूंढो जिसको वो तुम्हारी जगह ड्रैगन के सामने कुर्बान करने वाले हैं। यह एलोडी अपनी मॉम को बताती है कि हमारे डैड भी अब नहीं रहे। ये बताने के बाद वो फौरन ही गार की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि क्वीन उसकी बहन को लेकर गार की तरफ गई होंगी, जहाँ सच में क्वीन अपने हाथ पे और एलोडी की बहन के हाथ पे कट लगाकर अपना खून उसके खून में मिक्स कर उसे नीचे खाई में फेंक देती है और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है। एलोडी भी इस टाइम तक गार में पहुंच चुकी थी, पर किसी को उसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो ड्रैगन के पास जाने से पहले अब तैयारी कर रही थी। वो सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपने पास बांधती है और गार में ही मौजूद कुछ हथियारों के साथ अपने डैड की तलवार भी ले लेती है, जो ड्रैगन से लड़ने में उसके काम आ सकती थी। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अभी तक ड्रैगन ने एलोडी की बहन को नहीं मारा, वो अपने मरे बच्चों के पास बैठी थी और एलोडी की बहन से कह रही थी कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार दिया और अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मारकर उनको ऐसे ही बेचैन करूंगी। मुझे पता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी, तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। यहाँ एलोडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए घर के अंदर कुछ शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके आने का पता चल जाता है और ड्रैगन जैसे ही उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है तो यहाँ एलोडी अपनी बहन के पास आ जाती है। इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जाती, ड्रैगन यहाँ पर दोबारा आ जाती है। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमारे साथ झूठ बोला गया था, हमें कहा गया था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, पर सच ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ड्रैगन कहती है जो भी है तो वो तुम्हारे बड़े ही ना, बदला तो मैं उनका तुम्हारे से ही लूंगी। एलोडी बताती है नहीं, हम उनके बच्चे नहीं है। इससे पहले कि एलोडी ड्रैगन को और कुछ बताती, ड्रैगन अपनी आग से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए जब एलोडी पीछे की तरफ होती है तो पानी में गिर जाती है। उसे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, ड्रैगन दोबारा उसे पकड़कर अपने नेल से उसे जख्मी कर देती है और इस मर्तबा अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलोडी ने अपनी तलवार के जरिए उसकी आंख पर हमला कर दिया था। इस हमले से ड्रैगन को गुस्सा आ गया था, जैसे वो एलोडी को दूर फेंककर उसके ऊपर अपनी आग से हमला करती है, लेकिन वहाँ मौजूद पत्थरों से टकराकर ड्रैगन की अपनी ही आग उसे ही जलाने लगी थी। ड्रैगन जलकर बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और अब एलोडी उसे बताती है कि ये देखो मेरे हाथ का जख्म, ऐसे ही कट लगाकर अपना खून हमारे साथ मिलाकर हमें शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता था। हम असल में उनके बच्चे नहीं हैं, वो तो अपने घर बड़े सुकून से रह रहे हैं और हम जैसी मासूम लड़कियों को कुर्बान कर रहे हैं, और तुमने भी कौन सा उनके साथ कुछ अच्छा किया, जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा वैसे तुम भी किसी के बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और वो एलोडी से कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं तो मुझे मार दो, लेकिन यहाँ एलोडी उसे नहीं मारती और छोटे छोटे कीड़े जो उसने यही गार से कटे किए थे वो ड्रैगन पर लगाकर वो ड्रैगन के जख्मों को ठीक करती है, जिसके बाद अब वो बदला लेने के लिए असल गद्दारों के पास आई थी, यानी उस किंगडम में प्रिंस और क्वीन के पास, जिन्होंने उसे शादी का झांसा देकर गार में ड्रैगन के सामने फेंका था। यहाँ प्रिंस उसी जैसी एक और लड़की को शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने कुर्बान करने की तैयारी कर रहे थे। एलोडी उसे सच्चाई बताकर यहाँ से भागने को कहती है, जिसके बाद एलोडी यहाँ खड़े सब लोगों को कहती है कि जिस जिसने अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चला जाए। क्वीन कहती है, अरे लड़की तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ड्रैगन से बचाई हो तो हमें डरा सकती हो, तुम अकेली हमारा क्या भी बिगाड़ लोगी। एलोडी कहती है, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। उसके ऐसा कहते ही आसमान में उड़ती हुई ड्रैगन इस महल के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन यहाँ की रॉयल फैमिली के साथ उनके पूरे महल को भी आग से तबाह कर चुकी थी। उसका बदला अब सही मानों में पूरा हो गया था, जिसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस किंगडम पर एलोडी, उसकी बहन और उसकी मॉम है। वो अपने किंगडम पे वापस जाने की तैयारी कर रही है और एलोडी अब अपनी मॉम से कहती है कि मुझे यकीन है कि आप मेरे डैड की जगह इस किंगडम के खजाने को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी काफी अच्छे से चला लेंगी। ये सुन उसकी मॉम काफी खुश होती हैं और ये लोग अपने किंगडम की तरफ निकल जाते हैं, जहां अब वो ड्रैगन भी एलोडी की ड्रैगन बनकर उनके साथ जा रही थी। और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।